हरपालपुर सरसेठ ग्राम राजा हरपाल सिंह महाविद्यालय की एनएसएस इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर जो 29 फरवरी 2020 से प्रारंभ हुआ जो कि आज दिनांक 6 मार्च 2020 दिन शुक्रवार को संपन्न हुआ। अंतिम दिन बतौर मुख्य अतिथि मनीष चतुर्वेदी तथा महाविद्यालय प्राचार्य ने एनएसएस छात्रों से जागरूकता फैलाने की अपील की। हरपालपुर के समीप सरसेठ गाँव में चल रहे 7 दिवसीय शिविर के अंतिम दिन छात्रों का उत्साह देखने लायक रहा। प्रातःकाल प्रार्थना सभा के बाद छात्रों ने शिविर स्थल व आसपास सफाई की। इसके बाद छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रमों के बीच शिविर को विदाई दी। समापन कार्यक्रम में मुख्य भूमिका निभाते हुए प्राचार्य डीएस परिहार ने छात्रों को एनएसएस के महत्व से अवगत कराते हुए साथ साथ उन्हें योग्य के महत्व को समझाया और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की। कहा कि एनएसएस छात्रों का प्रथम उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को मिटाते हुए लोगों को जागरूक करना है। अंत में शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्वयंसेवी छात्रों को सम्मानित भी किया। इस एनएसएस कैंप मुख्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद पटेल और सहायक अधिकारी भूपेंद्र विश्वकर्मा जी इस मौके पे कैंप में विशिष्ट योगदान देने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। जिन्हें बच्चों को पुरस्कृत किया गया वो छात्र थे अनुज कुमार सेन जो की योगासन की कई कलाएं प्रस्तुत की। राष्ट्रीय सेवा योजना का मूल गीत निशांत यादव उनका साथ नितेंद्र यादव ने दिया। वही छात्र सूरज सिंह सेंगर से पूरे विश्व में फैल रहे कोरोना वायरस से कैसे बचा जाता ये छात्रों तथा ग्रामीणों को समझाया अपने भाषण के माध्यम से। जात हो निर्बल जान के मुँह आज परमार साहब ने वास्तव में कहा नहीं आपको चलना है वहाँ और हम उनके साथ में आप लोगों के बीच में आए इन्हीं शब्दों के करना चाहिए और इनसे अगर नहीं करते हैं तो ये रोग होते हैं और इन रोगों से हमारे हमें ये परेशानियां होती हैं। ये राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य सेवा सेवा शब्द अगर हम देखें जैसे अभी हमने देखा योग योग करके लोगों को बताना गांव में योग से क्या लाभ है योग के कौन से अंग हैं योग कैसे चालू होता है इसकी जानकारियां देना क्योंकि पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाने लगा भारत को अब मैं अमित कुमार सात दिवसीय एनएसएस शिविर का कार्यक्रम सरसेड़ ग्राम या शिवधाम में संचालित हुआ। इसके पहले आज के विशिष्ट अतिथि महोदय हमारे जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष